राजस्थान सरकार के उद्योग मंत्री शकुंतला जी रावत जो आज जोधपुर पहुंचे हैं और उद्योग जो उद्योग कारोबार है उनको सही समय पर काम दिया जा रहा है और जिस तरह से उनकी कोई भी समस्या है उनको हाथों हाथ सुलझाया जा रहा है। अभी हम बात करेंगे मैम आज आपका दौरा रहा किस तरह से रहा है? हमारा आज जो दौरा था वो राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी ने, जो पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रत्येक जिले में जो रोड शो हुए हैं इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया है। ये एक इतिहास रचा है राजस्थान सरकार ने और मुख्यमंत्री महोदय ने, तो हम इसीलिए सभी संभाग वाइज जाकर के जो भी इन्वेस्टर्स की कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें ज़मीन आवंटित नहीं हो रही है, कोई काम है ऑफिसर्स से संबंधित उद्योग विभाग रिको से पूरे डिपार्टमेंट से उद्योग से, तो पूरे MD रिको और रीजनल मैनेजर और सभी यहाँ पर RM वगैरह सब यहाँ आए हैं और हमारे जैसे आयुक्त महोदय भी आए, सभी को सेक्रेटरीज को लेकर के हम यहाँ पर आए कि कोई भी काम है तो हाथों हाथ। आपने देखा होगा कि आज जो भी कोई छोटी मोटी समस्याएं थी तो उनका समाधान मौके पर ही कर दिया गया, जैसे चाहे फायर दमकल की ज़रूरत थी आवश्यकता थी तो वो भी घोषणा कर दी, जल्दी हम यहाँ पर भिजवा देंगे। तो जो जो आवश्यकताएं थी, जो जो इन्वेस्टर्स की मांगे थी, उनको वहीं पर मौके पर पूरी किया गया जिससे कि इन्वेस्टर्स का काम आसान हो सके। आज हम यहाँ सारे लोग आए, जैसे आपने देखा होगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने प्रशासन गाँव के संग शहरों के संग में कैंप लगाया तो वहाँ पर सभी समस्याओं का समाधान हुआ, आपने देखा होगा सारे डिपार्टमेंट का। ठीक उसी प्रकार से हमारा भी आज उद्योग का यहाँ संवाद था, जो जो समस्याएं थी उन्होंने रखी हाथों हाथ हमारे अधिकारियों ने और हमारी सरकार की तरफ से हमने जवाब दिया, जिनका समाधान करना था समाधान किया और जो भी सुनाएंगे आगे तक भी मैंने कह दिया भाई जब तक आपकी सही हम नहीं सुनेंगे यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। तो ये एक जो समिट राजस्थान होगा हम चाह रहे हैं कि वो पूरा धरातल पे उतरे, हमारा सभी कलेक्टर्स से बात करके इन्वेस्टर्स से बात करके उनके जो मांगे हैं उनको करके जो भी कागजी कार्यवाही जल्दी पूरा करके इन्वेस्टर्स आए और कंपनियां स्थापित हों, युवाओं महिलाओं को रोजगार। इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए किस तरह से क्या कार्रवाई की जाएगी आगे, क्या खास कुछ होगा? हमारा जो समिट राजस्थान जो पहले होने वाला था ओमिक्रॉन के कारण उसको स्थगित कर दिया गया था, अब अक्टूबर में होने वाला है। तो अक्टूबर में हम ये चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो कि भाई आकर के हम एक फंक्शन कर लें, ऐसा नहीं होगा। हमारे जो कंपनीज जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो चाहे दूसरे स्टेट से हों चाहे अपने ही जिलों से हों और वो उद्योग धंधे स्थापित हो जाए, ये हमारा टारगेट रहेगा। कितना इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट आ सकता है यहाँ पे, क्या उम्मीद है आप लोगों को? जैसे यहाँ पर अपने लगभग 200 से ऊपर यहाँ पर आए हैं हमारे जो LOI और MOUs जो साइन हुए हैं 200-225 के लगभग हैं, तो वो सारे हमारे जो LOI और MOU हुए हैं उनके जो कागजी कार्यवाही है वो पूरी हो जाए और उद्योग धंधे ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे अभी भी हमारे 30-35 और 40 के लगभग चालू होने की संभावना अभी हो रही है, प्रक्रियाधीन है, तो और 30-40 ही मतलब लग गए हैं, लग चुके हैं, उद्योग धंधे स्थापित हो चुके हैं, जमीन ले ली, स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, सिर्फ उनको काम चालू करना है। तो ये हम उस दिन इनोग्रेशन करना चाहते हैं कि हमारी जो चालू हो जाए काम धरातल पे उतारना चाहते हैं, उसको उतारने के लिए हम सब जगह जा रहे हैं, जैसे महेंद्र पारख जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इस तरह से हम सब जाकर के हमारे सारे अधिकारी लगे हुए हैं इसमें, सभी ऑफिसर्स लगे हुए हैं, सेक्रेटरीज MD सभी चेयरमैन सब लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी इसको धरातल पे उतार के काम चालू किए जाने चाहिए। जी मैम एक विभाग खासतौर से एक विभाग और है आपके पास जिसको लेकर आप जैसे तीर्थ यात्रा जिसको लेकर काफी लोग इंतजार कर रहे हैं उनके लिए क्या कुछ? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो सोच है आपने देखा होगा, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा है, ये कोरोना काल के कारण 2 साल से स्थगित पड़ा था, अभी मुख्यमंत्री महोदय ने इसके पैसे भी बढ़ा दिए, 30 करोड़ रुपए कर दिए और 2000 यात्री हमारे जाएंगे और हवाई यात्रा भी होगी, ट्रेन से भी होंगे। अभी जून महीने में हम ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करेंगे और सितंबर अक्टूबर में हम वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवाएंगे। जिस तरह से आपने यात्रा के दौरान कई सारी समस्या आती है, किसी एक साहिब को ले जाना है या कोई एक पति पत्नी में से किसी ने एक ने अप्लाई किया, उसको लेके क्या? पहले हमारा ये था कि जो 75 साल से ऊपर का है वो एक साहिब को ले जा सकता है, अब हमने उसको और कम कर दिया, 70 वर्ष से ऊपर की आयु वाला अपने साथ एक साहिब ले जा सकता है और जो पति पत्नी में से मान लो उसकी आयु पति की आयु 60 से ऊपर है और पत्नी की थोड़ी बहुत कम है तो वो दोनों
हस्बैंड वाइफ जा सकते हैं, ऐसी छूट भी है इसमें। तो ये एक एक्स्ट्रा सुविधा दी गई है कि 70 साल जो कर दिया है तो वो उसमें भी अपने साथ ले जा सकते हैं। और क्योंकि बुजुर्ग आदमी दंपति होता है तो वो कई बार चलने फिरने में भी उनको परेशानी होती है, तो उनको साथ ले जाने के लिए भी सरकार की तरफ से छूट होगी। तो अप्लाई कर सकते, कब से शुरुआत हो जाएगा ये? जून से ऑनलाइन अप्लाई होगा और सितंबर और अक्टूबर में हम इस यात्रा को प्रारंभ कर देंगे। सितंबर से करने का अभी प्लानिंग है हमारी। इसी के लिए से खास बात करने के लिए धन्यवाद। करणपुरी जोधपुर।